ये दोनों ठीक है, बस दिवाली के दिन होटल में नहीं जाना चाहिए, दिवाली के दिन गार्डन घूमने में नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास जाओ, शिखर जी जाओ, तीर्थ पे जाओ, घर में धर्म करो या धर्म स्थान पे जाके धर्म करो, दिवाली के दिन धर्म करना चाहिए, अच्छे परिणाम रखना चाहिए। होटल आदि में जाकर के अपना धर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए, दिवाली को अपशगुन नहीं करना चाहिए। आज के समय हर त्यौहार अपशगुन में जाता है। इधर दिवाली पावन पर्व है और तुम जाकर होटल में जाकर के मौज मस्ती कर रहे हो, गार्डनों में जाके घूम रहे, जहाँ पापी लोग, पुण्यात्मा लोग, मांसाहारी लोग सब हैं वहाँ जाके तुम दिवाली मना रहे हो, उन होटलों में जाके सो रहे हो, उस कमरा लेकर के जिस कमरे में तुम्हारे पहले मांसाहारी सो के गया है, कोई शराब भी पी के गया होगा, और वो होटल में जाके तुमने कमरा बुक किया दिवाली के दिन, सारी साल भर तुमने बर्बाद कर दी। इसलिए मैंने अभी 31 दिसंबर या जनवरी को मैंने कहा था कि बस तुम एक नियम ले लो, बाकी सब ठीक है। त्योहार के दिन जो दिन तुम्हारा पवित्र है, नए दिन, उस दिन कभी होटल पे मत जाना, कभी होटल में घूमने मत जाना, होटल का उस दिन पानी मत पीना, बाकी साल भर तुम्हारी मर्जी पड़े सो करना। नए पुत्र साल का दिन यदि तुम मानते हो, दिवाली एक नया साल है, रक्षाबंधन है, जिस दिन त्योहार है सब पवित्र होते हैं, पवित्र त्योहार को अपवित्र स्थान पर नहीं जाना, पवित्र दिन अपवित्रों के बीच में नहीं बिताना, पवित्र दिन अपवित्र लोगों के हाथ का पानी और खाना नहीं खाना, पवित्र दिन जो है उस दिन अपनों के बीच में रहो या अपनों से जो बड़े पूज्य हैं उनके बीच में रखो, क्योंकि वो दिन पवित्र है। रक्षाबंधन पवित्र है कि अपवित्र? पवित्र है, बस उस दिन होटल में नहीं खाना, उस दिन बाजार में नहीं खाना। दिवाली पवित्र दिन है, बस दिवाली के दिन मैं कहीं भी घूमने जाऊंगा तो मंदिर की धर्मशाला में रहूंगा, तीर्थ में रहूंगा, होटल में नहीं रहूंगा, क्योंकि होटल में पता नहीं कौन पापी रुक के गया है, कौन मांसाहारी रुक के गया है। इस गार्डन में नहीं जाऊंगा जहां पर लोग एक भी धर्मात्मा नहीं है। तो ये त्योहारों के दिन होना चाहिए, उसी से त्योहार तुम्हारे जीवन में सगुन बनेगा। सबसे ज्यादा लोग त्योहार के दिन घर से बाहर निकलते, और गुजरात का सबसे बुरा हाल है, दिवाली के दिन सारा गुजरात घूमने जाता है और गंदे स्थानों पर, होटलों पर, होटलों में जाएगा, गंदे स्थानों में जाएगा, जो साल भर नहीं खाया वो खाएगा, जो साल भर जिनके बीच में नहीं रहा वहां रहेंगे, ये बहुत बड़ा गलत होता है। उस दिन अपन को यही सोचना है कि हम पवित्र स्थान पर रहेंगे अथवा अपने घर में रहेंगे।